तो दोस्तों तो दस स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज के विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज़ में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो फॉर्म फिलअप के एवज में आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो जिसके तहत आप लोग का ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है वह पैसा कट जा रहा है, लेकिन आप लोग का किसी किसी का रजिस्ट्रेशन ही चेंज हो जा रहा है, किसी किसी का दो तीन बार पेमेंट हो जा रहा है, उसके बाद भी आप लोग का सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समस्याओं का समाधान आप लोगों को आज मिलने वाला, क्योंकि जो पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है वह थोड़ा सा स्लो डाउन है और थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग का यह प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग कैसे आप लोग अपना पेमेंट करेंगे उसकी जानकारी देंगे आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग का जो यूजी 2022-25 में एडमिशन लिया उनका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को फी सबमिट करने में। दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए विथ प्रूफ भी दूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट ने बढ़ाई परेशानी छात्र एवं छात्राओं को। यहाँ पे बताया गया है कि बार बार कट जा रही है राशि, कई बार बदल दिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे बताया गया पीयू यानी कि पटना यूनिवर्सिटी स्नातक वोकेशनल की परीक्षा 30 दिसंबर से है, लेकिन वेबसाइट में गड़बड़ी से कई विद्यार्थी अब तक फॉर्म ही नहीं भर सके, क्योंकि उनका पैसा कट जा रहा है तो उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, किसी किसी का रजिस्ट्रेशन ही चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी गड़बड़ी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने के उपरांत कई तरह के दिक्कतें छात्र एवं छात्राओं को झेलनी पड़ रही है। इसमें बताया गया दोस्तों कि 30 नवम्बर से स्नातक वोकेशनल कोर्स लास्ट सेमेस्टर और सेमेस्टर 2 की परीक्षा होनी है, लेकिन वेबसाइट में आ रही तकनीकी परेशानी से कई कारण बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं फॉर्म नहीं भर पाए। ये छात्र शुक्रवार को पूरे दिन विभाग से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का चक्कर लगाते रहे, लेकिन छात्रों ने बताया कि जिन छात्रों की राशि कट गई है उन्हें कहा गया है कि वे फिर से आवेदन करें, उनकी राशि बाद में लौटा दी जाएगी। तो दोस्तों जिनका तीन बार चार बार जितना भी पेमेंट आप लोग का हो गया है उनका पैसा क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा यानी कि दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, आप लोग फिर से क्या कर सकते हो, अप्लाई करें और फिर से आप लोग पेमेंट कर दे, ठीक है। तो इस संबंध में छात्र के परीक्षा नियंत्रक से भी मिले, लेकिन छात्रों को कहा गया है कि यह वेबसाइट का मामला है, छात्र इधर उधर भटक रहे। गुरुवार को वेबसाइट पर फीस अधिक दिख रही थी, बाद में छात्र संघ ने जब आपत्ति दर्ज कराई तो उसे दूर कराया गया। छात्रों ने बताया कि वेबसाइट पर परीक्षा फॉर्म भरने या फीस जमा करने आदि में कई तरह के दिक्कत आ रही है। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो दिक्कतें आ रही है वो स्क्रीन पॉन स्क्रीन ही आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर में गलती विश्वविद्यालय को भुगत रहे छात्र। रजिस्ट्रेशन नंबर में विश्वविद्यालय के द्वारा गलती की गई, अब इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यह रजिस्ट्रेशन नंबर इंग्लिश फाइनल ईयर के छात्र उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा स्क्रीन पर था, जिसे बदलकर अब क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया। इस वजह से इन्हें फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है। वही एक अन्य छात्रा जो सेकंड सेमेस्टर की है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल भी भिन्न कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है, लीजा कुमारी नाम के छात्रा का रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट के बजाय आप लोग देख सकते हैं कितने डिजिट का है, तो 6 डिजिट का है यानी कि 6 नंबर का कर दिया गया। इसी तरह की समस्या को लेकर उसके निवारण के लिए आवेदन लेकर छात्र घूम रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या के निवारण नहीं हो रहा था। दोस्तों आप लोग फॉर्म तभी भरे, आप लोग एक बार विद्यालय में जाकर क्या करें, कंसल्ट कर लो, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि बार बार पेमेंट कट जा रहा था तो गड़बड़ बात है भाई। तो पेमेंट ठीक से करें और एक बार कॉलेज जाकर कन्फर्म हो जाए, उसके बाद ही आप लोग परीक्षा फॉर्म भरें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे। घबराए नहीं, क्योंकि आप लोग का परीक्षा फॉर्म डेट क्या को होगा, एक्सटेंड होना ही होना है, क्योंकि इस तरह का गड़बड़ी होगा तो 30 तारीख से कैसे एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फर्दर अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।